तो क्या सब उम्मीद होंगी कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। टाटा पंच का क्रिएटिव वेरिएंट है, इसके हम बात करें तो ये हेलोजन बल्ब मिल जाता है, फॉग लैम्प, और ये एलईडी मिल जाती है इसमें, ये प्रोजेक्टर मिल जाता है इसके अंदर। आगे से लुक की बात करें तो कुछ ऐसे दिखती है, साइड में से कुछ ऐसे दिखती है। इसके डीआरएल, ये डीआरएल है जिसमें इंडिकेटर होता है। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो 195/60R 16 इंच इसके अलॉय व्हील है, डायमंड कटर अलॉय व्हील है, जो देखने में काफ़ी बेहद अच्छे लगते हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल से बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है, रूफ़ ब्लैक करवा रखी, ब्लैक है इसकी, जो बहुत देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे से लुक की बात करें तो ऐसी ऐसे बड़ी बड़ी सी एसयूवी टाइप लगती है ये गाड़ी। साइड लुक की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है, इसके पीछे का डोर ओपन करने का यहाँ से आता है। गाड़ी की लुक की बात करें तो गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, एसयूवी टाइप दिखती है ये गाड़ी। चाबी की बात करें तो कुछ ऐसे दिखती है, लॉक अनलॉक ये बूट ओपन करने का। तो गाड़ी के इंटीरियर की बात करें का इंटीरियर दिखाते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, उससे गाड़ी ओपन हो जाती है। गाड़ी की कुछ लुक की बात करें तो ऐसे दिखती है, यहाँ पे पावर विंडो के बटन, ORVM सेट करने के बटन, यहाँ पे ट्विटर दे रखा है, यहाँ पे सीट एडजस्ट करने के लिए मैन्युअली है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी है ऐसा। चलो अंदर चलते हैं। ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, इसमें गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस इवेंट पे ब्लू कलर की टाइप दिख जाती है, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये गियर लेवल मिल जाता है, ये हैंड ब्रेक है। सीट की बात करें तो फैब्रिक वाला है, बहुत अच्छा, देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, ये पावर विंडो का बटन है। गाड़ी के इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे ऐसा मिल जाता है, इधर माइक मिल जाता है, उधर मिरर दे रखा है साइड में। ओवरऑल लुक की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, साउंड क्वालिटी की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, NCC का म्यूजिक बजा रहता है। गाड़ी के पीछे से कुछ बात करें तो लेगरूम इतना मिल जाता है, ये हैंड रेस्ट करने का मिल जाता है, सीट एडजस्ट करने का मिल जाता है। यहाँ पे पीछे पार्सल टे दे रखी है, ऐसे कुछ गाड़ी है। गाड़ी का आगे से इंटीरियर देखने में कुछ ऐसा लगता है, गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती है, ऐसा ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर दे रखा है। यहाँ पे वही हार्ड प्लास्टिक है, ये सिल्वर में दे रखा है, यहाँ पे ट्विटर दे रखे हैं इस तरफ पे। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 84.48 BHP की पावर मिल जाती है, 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में अवेलेबल है, मैनुअल है, 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है। इसके माइलेज की बात करें तो 18.97 का माइलेज मिल जाता है, BS6 में आती है ये। और इसमें टायर आगे के डिस्क मिल जाते हैं, पीछे वाला ड्रम मिलता है। लेंथ की बात करें तो 3800 to 70 mm की लेंथ मिल जाती है, और विड्थ की बात करें तो 1074 की कुछ बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो देखने में इतना बड़ा लगता है, कुछ ऐसा दिखता है। बूट स्पेस की बात करें तो 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे किट दे रखी है हवा भरने की, ऐसा गाड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है।